वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट्स। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ऑन डीएलसी। तो आप पहले तो क्या डिस्कस करोगे? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करोगे, क्योंकि इससे पीछे वाले लेक्चर में आपने देखा था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट को अपन किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी वो किस किस रीजन से बढ़ते हैं, राइज होते हैं उनके काउंट्स, और किस रीजन से उनके काउंट डिक्रीज होते हैं यानी कम होते हैं। फिर क्या है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल, क्या है डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी अलग अलग जो ल्यूकोसाइट होती है जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, उनको अलग अलग अपन किस तरीके से काउंट करके देख सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखिए कि केस ऑफ हाई आरबीसी, यानी आरबीसी जो है उसकी क्या है, नॉर्मल काउंट जो है ज्यादा हो गए यानी हाई हो गए, कौन सी कंडीशन में आरबीसी के काउंट बढ़ सकते हैं, तो देखिए सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, या फिर प्रॉब्लम विद हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी हार्ट के कोई स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आने से, या फिर उसके किसी फंक्शन में प्रॉब्लम आने से भी क्या है कि आरबीसी के काउंट बढ़ सकते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या है, आरबीसी के काउंट बढ़ सकते हैं। किडनी ट्यूमर होने में यानी किडनी में कैंसर या फिर अदर कोई ट्यूमर होने की वजह से काउंट बढ़ सकते हैं। टेकिंग सम ड्रग, या फिर क्या है कि ड्रग्स लेने की कंडीशन में जैसे जेंटामाइसिन हो गया या फिर मिथाइल डोपा हो गया, उसकी कंडीशन में भी क्या है आरबीसी के काउंट हाई हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए केस ऑफ लो आरबीसी, यानी आरबीसी के काउंट क्या हो गए, कम हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया हो गया जैसे, यानी एनीमिया के कंडीशन में आपको पता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के जो दोनों बहुत क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग की कंडीशन में, या फिर कैंसर की कंडीशन में, यानी बोन मैरो के अंदर कैंसर हो गया, या फिर व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया की कंडीशन में आरबीसी के काउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी काउंट कम हो सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। और आपको पता है कि आरबीसी फॉर्मेशन को जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइटिन, उसकी कमी की वजह से भी क्या है आरबीसी के काउंट कम हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, या फिर टेकिंग सम ड्रग, या फिर कोई ड्रग लेने की वजह से भी क्या है आरबीसी के काउंट कम हो सकते हैं, जैसे कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट हो गया, या फिर क्लोरोफेनिकोल हो गया, उसकी वजह से भी क्या है कि आरबीसी के काउंट कम हो सकते हैं। नेक्स्ट केसेस ऑफ हाई डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो नॉर्मल रेंज है वो क्यों बढ़ जाती है, किस वजह से बढ़ जाती है, तो देखिए इन्फेक्शन की कंडीशन में, इन्फ्लामेटरी डिजीज की कंडीशन में, यानी कोई कहाँ पे इन्फ्लामेशन आ गई, यानी कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे रूमेटोइड आर्थराइटिस हो गया, तो वो क्या है इन्फ्लामेटरी डिजीज है, यानी जिसके अंदर जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कैंसर हो गया, टिश्यू डैमेज या फिर बर्न, यानी कोई टिश्यू के अंदर डैमेज हो गया, या फिर कोई गलने की कंडीशन हुई, उस टाइम पे भी क्या है व्हाइट ब्लड सेल बढ़ सकती हैं, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी व्हाइट ब्लड सेल बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट केसेस ऑफ लो आरबीसी, यानी आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज है उससे कम क्यों होती है ह्यूमन बॉडी में, कोई कैंसर ट्रीटिंग ड्रग चल रहा हो, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया हो, या फिर क्या डिजीज ऑफ लीवर या स्प्लीन, यानी लीवर और स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, सर्टेन वायरल इलनेस यानी क्या वायरस का कोई इन्फेक्शन हो गया हो जैसे एचआईवी का, कैंसर दैट डैमेज बोन मैरो, या फिर कोई ल्यूकेमिया या फिर अदर कोई कैंसर हो गया जो बोन मैरो को ही डैमेज कर दे। तो आपको पता है बोन मैरो अगर डैमेज हो गया तो किसी भी प्रकार की ब्लड सेल फॉर्म नहीं होगी, नहीं बनेगी।
डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट जो था उसके बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिकल कौन सा आता है, आपका डीएलसी आता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्लिनिकल पैथोलॉजी में। तो इसका एम देखिए कि उद्देश्य क्या है, किस वजह से अपन करते हैं डीएलसी को, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को डिटेक्ट करते हैं। इट मींस डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर एंड द परसेंटेज ऑफ इस टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल स्टेन ब्लड स्मीयर। यानी क्या है, इट मींस डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर एंड द परसेंटेज ऑफ इस टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। यानी डीएलसी का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट नंबर का पता करना या परसेंटेज का पता करना कि अलग अलग इस टाइप यानी प्रत्येक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल की दैट इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल स्टेन ब्लड स्मीयर। और जो अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं किसके अंदर प्रेजेंट होता है कि इंडिविजुअल स्टेन ब्लड स्मीयर के अंदर प्रेजेंट होती हो उस अलग अलग व्हाइट ब्लड सेल की परसेंटेज का पता करना। और वो ब्लड स्मीयर जो है वो किससे बनाते हैं, अपन पेशेंट के ब्लड से बनाते हैं जिसकी डीएलसी डिटेक्ट करनी है। नेक्स्ट टू चेक जनरल हेल्थ कंडीशन, यानी जनरल जो हेल्थ कंडीशन है स्वास्थ्य है उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल की अलग प्रत्येक टाइप का अलग अलग क्या है कि मैटर करती है कि कौन किसी इन्फेक्शन में कौन सी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट टू हेल्प डायग्नोज द डिजीज दैट इफेक्ट वन और मोर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए उसका पता लगाने के लिए भी अपन क्या है डीएलसी को करते हैं कि ऐसी डिजीज जो व्हाइट ब्लड सेल की एक से ज्यादा सेल के ऊपर इफेक्ट डाल रही हो। नेक्स्ट इट इज यूजफुल इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर। जैसे और ये क्या है कि कंफर्मिंग है, डायग्नोसिस है यानी कंफर्मली पता लगा सकते हैं पर न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर का यानी ल्यूकेमिया का। तो एम क्या क्या हो गया कि सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि व्हाइट ब्लड सेल की प्रत्येक जो सेल है उसका परसेंटेज या फिर उसके नंबर क्या है डिटेक्ट किए जा सके, या फिर क्या है जनरल हेल्थ की कंडीशन को चेक किया जा सके, या फिर क्या है कि कोई ऐसी डिजीज होगी बीमारी होगी जो क्या है व्हाइट ब्लड सेल की एक से ज्यादा टाइप के ऊपर इफेक्ट डाल रही है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, या फिर क्या है ल्यूकेमिया या न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट किया जा सके। इन सभी को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी ल्यूकोसाइट जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनके टाइप को अलग अलग डिटेक्ट किया जा सके, उनकी नॉर्मल रेंज को पता लगाया जा सके। नेक्स्ट देखिए रिक्वायरमेंट फॉर डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को चेक करने के लिए अपने पास चीजें क्या क्या होनी चाहिए। एक तो माइक्रोस्कोप स्लाइड होनी चाहिए, ग्लास प्रेटर स्लाइड, माइक्रोस्कोप स्लाइड यानी जिसके ऊपर अपन ब्लड फिल्म बनाएंगे यानी ब्लड की स्मीयर बनाएंगे एक तरीके से छवि बनाएंगे। और दो ग्लास प्रेटर स्लाइड क्या होती है कि जिससे अपन ब्लड को स्प्रेड करेंगे यानी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर ब्लड को स्प्रेड करेंगे फैलाएंगे उसको क्या बोलते हैं स्प्रेडर स्लाइड। फिर क्या आती है सिडारवुड ऑयल यानी क्या है ऑयल इमर्सन लेंस यानी 100x के ऊपर स्लाइड को ऑब्जर्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए सिडारवुड ऑयल चाहिए, लिस्मान स्टेन चाहिए, स्टेनिंग रैक चाहिए, नेक्स्ट कॉटन एंड टिश्यू चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको पिपेट चाहिए, टाइमर चाहिए, इन सारी चीजों की क्या है रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर क्या होता है कि अपने को सबसे पहले क्या चाहिए कि अपने को पेशेंट के ब्लड की फिल्म बनानी है, स्मीयर बनानी है। स्मीयर से अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, डीएलसी को डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर यानी सबसे पहले पेशेंट का ब्लड लेना है, फिर क्या लेना है पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द एंड ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड यूज बाय पिपेट और ड्रॉपर। यानी आपको क्या है कि एक ब्लड की ड्रॉप लेनी है जिसके ऊपर ऑन द एंड ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड यानी क्लीन ग्लास स्लाइड के एक एंड के ऊपर एक किनारे के ऊपर यूज बाय पिपेट और ड्रॉपर यानी पिपेट या ड्रॉपर की हेल्प से
एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर पेशेंट के ब्लड की ड्रॉप लेनी है, ब्लड स्मियर बनाने के लिए, ब्लड की फिल्म बनाने के लिए। नेक्स्ट, होल अनदर स्लाइड यानी स्प्रेडर स्लाइड फर्मली इन ए हॉरिजेंटल पोजिशन। क्या है कि आपको होल्ड और अनदर स्लाइड यानी स्प्रेडर स्लाइड को होल्ड करना है फर्मली यानी अच्छे तरीके से इन ए हॉरिजेंटल पोजिशन, यानी हॉरिजेंटल पोजिशन के अंदर एन एंगल ऑफ अबाउट 40 डिग्री जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ब्लड। यानी आपको स्प्रेडर स्लाइड को होल्ड करना है हॉरिजेंटल पोजिशन में, यानी स्प्रेडर स्लाइड और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड यानी जिसपे फिल्म बनेगी उन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री का जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए ब्लड ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। और आपको स्प्रेडर स्लाइड कहाँ पे रखनी है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रखनी है ब्लड ड्रॉप के जस्ट सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी ब्लड ड्रॉप के बिल्कुल सामने। नेक्स्ट, मूव बैकवर्ड द स्प्रेडर टू टच द ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड पुश द स्प्रेडर स्लाइड फॉरवर्ड विद स्मूथ मूव। यानी फिर क्या करना है आपको, मूव बैकवर्ड द स्प्रेडर, स्प्रेडर स्लाइड को थोड़ा सा पीछे लेना है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर टू टच द ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी ब्लड की ड्रॉप को टच करने के लिए एंड पुश द स्प्रेडर स्लाइड फॉरवर्ड विद स्मूथ मूव। और फिर क्या है, जैसे ही जो ब्लड की ड्रॉप है वो स्प्रेडर स्लाइड को टच करेगी यानी उसका जो किनारा स्प्रेडर स्लाइड का जो किनारा माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को टच कर रहा है उस पूरे किनारे पे क्या आ जाएगी, ब्लड की ड्रॉप आ जाएगी यानी ब्लड क्या है उस किनारे पे आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, स्प्रेडर स्लाइड फॉरवर्ड विद स्मूथ मूव यानी आपको स्प्रेडर स्लाइड को पुश करना है आगे की तरफ थोड़ा धकेलना है, इसके साथ स्मूथ मूव के साथ, ताकि क्या है वो जो किनारे के ऊपर ब्लड आया वो क्या है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडर स्लाइड बोलते हैं। इट शुड बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ स्लाइड एंड 5 mm इन वर्थ। और इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ब्लड कितनी दूरी में फैलना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर फैलना चाहिए एज ऑफ द स्लाइड यानी स्लाइड के किनारे से, यानी जहां पे आपने ब्लड की ड्रॉप डाली थी उस किनारे से। एंड 5 mm इन विड्थ, और चौड़ाई में कितनी होनी चाहिए, ब्लड की स्मेयर 5 mm। तो शुरू से देखिए कि पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द एंड ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड यूज बाय पिपेट और ड्रॉपर। यानी आपको एक ब्लड की ड्रॉप लेनी है पेशेंट के ब्लड की, और वो ब्लड की ड्रॉप किसकी लेनी है, पेशेंट की जिसकी डीएलसी डिटेक्ट करनी है, और वो ड्रॉप कहाँ डालनी है कि क्लीन ग्लास स्लाइड के एंड पे डालनी है, यानी ऐसी स्लाइड जिसको क्या बोलते हैं अपन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बोलते हैं, जिसपे फिल्म बनाएंगे। नेक्स्ट, फिर क्या है आपको, होल्ड अनोदर स्लाइड यानी क्या है आपको दूसरी स्लाइड होल्ड करनी है, पकड़नी है, जिसको क्या बोलते हैं स्प्रेडर स्लाइड बोलते हैं, फर्मली इन हॉरिजेंटल पोजिशन यानी हॉरिजेंटल पोजिशन में एन एंगल ऑफ अबाउट 40 डिग्री यानी जिसका एंगल क्या होगा 45 डिग्री का होगा। और ये एंगल 40 डिग्री किसके बीच में होता है, यानी स्प्रेडर स्लाइड और माइक्रोस्कोपिक दोनों स्लाइड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री का। और स्प्रेडर स्लाइड कहाँ रखनी है आपको, जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए ब्लड ड्रॉप ऑफ ब्लड यानी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे जहां आपने ब्लड की ड्रॉप डाली थी जस्ट उसके सामने। नेक्स्ट, मूव बैकवर्ड द स्प्रेडर स्लाइड टू टच द ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड पुश द स्प्रेडर स्लाइड फॉरवर्ड विद स्मूथ मूव। फिर क्या करना है आपको, ब्लड की स्मियर बनाने के लिए स्प्रेडर स्लाइड को थोड़ा सा बैकवर्ड लेना है, बैक लेना है पीछे की तरफ, ताकि जो ब्लड की ड्रॉप है वो क्या हो जाए, टच हो जाए किसके, स्प्रेडर स्लाइड के यानी उसके किनारे के ऊपर, पूरे नीचे वाले किनारे पे यानी जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर किनारा रखा है स्प्रेडर स्लाइड का उस पूरे किनारे पे क्या आ जाए, ब्लड आ जाएगी। एंड पुश द स्प्रेडर स्लाइड फॉरवर्ड विद स्मूथ मूव। और आपको स्प्रेडर स्लाइड को फिर क्या करना है, पुश करना है स्मूथ मूव के साथ आगे की तरफ, ताकि जो ब्लड आया स्प्रेडर स्लाइड के किनारे पे वो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर पूरा फैल जाए। नेक्स्ट, इट शुड बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ स्लाइड एंड 5 mm इन विड्थ। और ये क्या है कि 1 सेंटीमीटर होता है किसके ऊपर, एज यानी किनारे से स्लाइड के, और 5 mm क्या होती है, चौड़ाई होती है किसकी, विड्थ होती है किसकी, ब्लड स्मियर की।
लिखिए, मेक ए थिन स्मियर, इट्स मेनली यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल काउंट। मेक ए थिन स्मियर यानी आपको कैसी स्लाइड बनानी है डीएलसी को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड की, थिन यानी पतली। इट्स मेनली यूजफुल फॉर, ये क्या है, यूजफुल होती है यानी कामयाब होती है किसके लिए, काम में आती है, फॉर डिटेक्शन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी यानी सेल्स की मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट करने के काम में आती है। आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल के अंदर सेल्स की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है एंड डिफरेंशियल सेल काउंट, और थिन स्लाइड इसलिए बनाती है कि अलग अलग सेल को डिफरेंशियली काउंट किया जा सके। नेक्स्ट, ड्राई रैपिडली बाय वेविंग इन द एयर और यूजिंग ए ब्लोअर, यानी आपको ड्राई करना है, अच्छे तरीके से सुखा लेना है रैपिडली, जल्दी से जल्दी स्लाइड को। नीचे आप मेथड देखिए स्लाइड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। एक नंबर स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हो कि सबसे पहले ब्लड की ड्रॉप रखिए किनारे के ऊपर, फिर उसके आगे क्या रख रहे हो आप, स्प्रेडर स्लाइड रख रहे हो, कितने डिग्री के एंगल पे, उसके ऊपर जो खड़ी स्लाइड दिख रही है 45 डिग्री के एंगल पे। फिर स्प्रेडर स्लाइड को थोड़ा सा क्या लोगे, बैक लोगे, बैक लोगे तो जो ब्लड की ड्रॉप है वो स्प्रेडर स्लाइड के किनारे के ऊपर टच हो जाएगी, यानी इन फ्रंट ऑफ ए ब्लड ड्रॉप आप क्या रखोगे, स्प्रेडर स्लाइड को रखोगे। और फिर क्या है कि जैसे ब्लड की ड्रॉप उस किनारे पे टच आएगी, टच करेगी स्प्रेडर स्लाइड के, तो स्प्रेडर स्लाइड को क्या कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे तो क्या प्रिपेयर हो जाएगी, ब्लड की स्मियर प्रिपेयर हो जाएगी, जो आपको थर्ड स्लाइड में दिख रही है नीचे डायग्राम में। नेक्स्ट देखिए, स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मियर, यानी एक ब्लड की स्मियर को अपन स्टेन कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, स्मियर प्रिपरेशन के बाद में डीएलसी में नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेनिंग का, यानी एक अभिरंजक डालते हैं अपन ब्लड स्मियर के ऊपर, एक कलर कंपाउंड डालते हैं, जो क्या है कि जो डीएलसी होती है अलग अलग ल्यूकोसाइट काउंट होती है उनको अलग अलग कलर प्रोवाइड करवाता है, उनकी स्ट्रक्चर अपने को अलग अलग दिखती है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो देखिए, ब्लड सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, आपको पता है ब्लड सेल की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, विच टेक डिफरेंट स्टेन, और वो क्या है, अलग अलग प्रकार की स्टेनिंग लीजिए टेक करती है लेती है। सम आर बेसोफिलिक, अदर आर एसिडोफिलिक एंड सम सेल्स एक्सेप्ट न्यूट्रल, और कुछ सेल किस प्रकार की होती है कि बेसोफिलिक नेचर की होती है, यानी एसिड अम्लीय होती है और है क्षारीय होती है, एंड अदर आर एसिडोफिलिक, और कुछ कैसी होती है, अम्लीय होती है, एंड सम सेल एक्सेप्ट न्यूट्रल स्टेन, और कुछ सेल कैसी लेती है, न्यूट्रल स्टेन एक्सेप्ट करती है यानी उदासीन स्टेन। तो अपन स्टेनिंग रिएजेंट कौन सा काम में लेते हैं, तीन प्रकार के स्टेनिंग रिएजेंट काम में लेते हैं मेटोलॉजी के अंदर ब्लड सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, एक तो लीस्मान स्टेन, जिंसा स्टेन और राइट स्टेन। तो अपने को जिंसा और राइट स्टेन जो है उनको नहीं पढ़ना है, वो अपने काम के नहीं है, लेकिन लीस्मान स्टेन जो है मोस्टली अपन किसके अंदर काम में लेते हैं मेटोलॉजी के अंदर, वही क्या है अपने, वही क्या है अपन मोस्टली लैब्स के अंदर काम में लेते हैं, वही क्या है अपने काम में आता है। तो लीस्मान स्टेन इज मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल स्टेन, यानी लीस्मान क्या है, एक तो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है मेटोलॉजी के लैब में, और क्या है चीपेस्ट ऑफ ऑल स्टेन, यानी सभी स्टेनों से सस्ता है। कंपोजिशन क्या होता है कि उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं अपन, लीस्मान स्टेन पाउडर को कितना लेते हैं 0.15 ग्राम, और मिथाइल अल्कोहल कितना लेते हैं 100 ml, इन दोनों को मिक्स करके 0.15 ग्राम को और 100 ml को दोनों को मिक्स करके अपन क्या तैयार करते हैं, लीस्मान स्टेनिंग रिएजेंट तैयार करते हैं, जो कि क्या है मेटोलॉजी का सबसे बेस्ट स्टेनिंग रिएजेंट है। फिर क्या आता है इसका प्रोसीजर, द ड्राई ब्लड फिल्म इज देन कवर्ड विद लीस्मान स्टेन फॉर 1 मिनट, यानी आपने जो ड्राई ब्लड फिल्म प्रिपेयर की थी, ब्लड स्मियर या फिर ब्लड फिल्म एक ही बात है, यानी दोनों क्या है सिमिलर वर्ड है, तो ड्राई फिल्म इज देन कवर्ड विद लीस्मान स्टेन,
यानी आपने जो ब्लड फिल्म तैयार की थी, प्रिपेयर की थी, उसको क्या करना है, इज देन कवर्ड विद लीचमैन स्टेन, यानी आपको लीचमैन स्टेन रिएजेंट से उसको कवर कर देना है पूरे तरीके से, ताकि जो आपकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, यानी अलग अलग जो सेल्स है वो क्या है, अलग अलग प्रकार का स्टेनिंग रिएजेंट ले सके। एंड नेक्स्ट आफ्टर वन मिनट एड डिस्टिल वाटर यानी बफर ऑन द ब्लड फिल्म, यानी एक मिनट के बाद में आपको क्या डाल देना है फिर, कि फिल्म के ऊपर स्मियर के ऊपर डिस्टिल वाटर डाल देना है या फिर बफर डाल देना है, जो क्या करेगा एंड मिक्स वेल, और क्या करना है दोनों को मिक्स करना है, यानी क्या है लीचमैन स्टेन को और डिस्टिल वाटर को या फिर बफर को दोनों को मिक्स करना है विद स्टेन एंड कीप इट एज इट फॉर अबाउट 5 मिनट, और इसी फॉर्म के अंदर इसको क्या है 5 मिनट के लिए रख देना है। नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट वॉश द स्लाइड फॉर एवरी वॉश द स्लाइड फॉर रिमूव एक्सेस स्टेन एंड एयर ड्राई द स्लाइड, यानी आफ्टर 5 मिनट 5 मिनट बाद में क्या करना है आपको वॉश द स्लाइड यानी स्लाइड को वॉश करना है फॉर रिमूव एक्सेस स्टेन यानी ज्यादा स्टेन जो है उसको हटाने के लिए, एयर ड्राई द स्लाइड और स्लाइड को सुखा देना है। तो कंपोजिशन के बाद में ये जो स्टेप है वो क्या है, स्टेनिंग प्रोसीजर के स्टेप है, यानी सबसे पहले आपने जो लीचमैन स्टेन तैयार किया है वो क्या है, जो फिल्म आपने पीछे तैयार की थी ब्लड स्मियर ड्राई ब्लड स्मियर, क्योंकि लास्ट में आपने एयर ड्राई किया था सुखा लिया था ब्लड स्मियर को, तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले क्या है लीचमैन स्टेन डालना है, लीचमैन स्टेन डालना है 1 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट बाद में उस पर क्या डाल देना है डिस्टिल वाटर डाल देना है, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है 5 मिनट के लिए रख देना है, और फिर क्या है लास्ट 5 मिनट बाद में अपने को वॉश कर लेना है स्लाइड को, ताकि जो एक्सेस स्टेन है वो क्या है हट जाए, और स्लाइड को क्या करना है एयर ड्राई करना है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख रहे हो कि जिसके अंदर दो स्मियर दिखाई गई है, ब्लड स्लाइड दिखाई गई है, ऊपर की स्मियर जो है रेड कलर की वो कैसी अनस्टेन्ड थिन ब्लड स्मियर, यानी बिना स्टेन की स्लाइड है वो ब्लड की, यानी उसके उसको स्टेन नहीं किया, उसके ऊपर कोई भी कलर रिएजेंट अपन ने नहीं डाला। नीचे की अगर आप स्लाइड देखोगे तो वो कैसी दिख रही है आपको, एक तरीके से ब्लू कलर की दिख रही है, उसको किससे स्टेन किया अपन ने, लीचमैन स्टेन से स्टेन किया है, ये कैसी है स्टेन्ड थिन ब्लड स्मियर, यानी ये कैसे स्टेन की हुई ब्लड स्मियर है, यानी अनस्टेन और स्टेन ब्लड स्मियर का कलर कैसा होता है, स्टेन ब्लड स्मियर तो कैसी होती है ब्लू कलर की होती है, और अनस्टेन ब्लड स्मियर कैसी होती है रेड कलर की होती है एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मियर, यानी ब्लड स्मियर जो प्रिपेयर की सबसे पहले, फिर उसके स्टेन किया यानी कलर रिएजेंट प्रोवाइड करवाया, उसके बाद अपन एग्जामिन कैसे करेंगे, तो इंस्पेक्ट द स्मियर अंडर लो पावर टू नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सेल एंड सिलेक्ट एन एरिया वेयर द सेल डू नॉट ओवरलैप, यानी सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप के अंदर लो पावर जो लेंस होता है 10x, उसके ऊपर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन नोट करना है कि सही तरीके से स्प्रेड हुई है या नहीं हुई, फिर क्या करना है एंड सिलेक्ट एन एरिया, एक एरिया सिलेक्ट करना है वेयर द सेल डू नॉट ओवरलैप, यानी वहां पे क्या है कि सेल्स आपस में ओवरलैप ना हो, यानी अलग अलग आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे ब्लड स्मियर में। नेक्स्ट स्विच टू ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, फिर क्या है कि आगे की जैसे आपने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया जहां पे ओवरलैपिंग नहीं थी सेल्स की माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे, फिर क्या करना है आपको कौन सा लेंस काम में लेना है, ऑयल इमर्सन लेंस काम में लेना है आगे की एग्जामिनेशन के लिए। द एग्जामिनेशन शुड स्टार्ट टू द थिन एंड, और एग्जामिनेशन आपको कहां से शुरू करनी चाहिए, पर बिल्कुल थिन एंड से, यानी स्लाइड का जो बिल्कुल पतला किनारा है ब्लड स्मियर का उस किनारे से शुरू करनी चाहिए। At least 100 cell are count in different zone for accurate result. For DLC के accurate result के लिए आपको 100 cell कम से कम count करनी है अलग अलग zone के अंदर, ताकि क्या cell का आगे percentage निकाला जा सके, क्योंकि अलग अलग zone में अगर आप 100 cell count कर लोगे total, तो उससे क्या है कि आपको भी पता है कि total percentage base पे divide leukocyte, जैसे 45 to 65% क्या होता है neutrophil होता है, तो अगर अपन 100 सेल काउंट कर लेंगे तो उनका एक्यूरेट परसेंटेज क्या है काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल वैल्यू क्या होती है व्हाइट ब्लड सेल की, तो न्यूट्रोफिल की 45 to 65, लिम्फोसाइट की
20% to 40% या फिर 20% to 35% मोनोसाइट की 2% to 8% इयोसिनोफिल की 1% to 2% और बेसोफिल की 0.5% to 1%। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट सेल्स सीन इन नॉर्मल ब्लड, यानी ल्यूकोसाइट सेल्स जो है नॉर्मल ब्लड में कैसे दिखाई देती हैं, तो उनके डायमीटर और डायग्राम, ये दोनों चीजें आपको हिमेटोलॉजी के अंदर करवा दी, दोनों चीजें आपको बनानी है, यानी डायमीटर भी लिखना है और जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट सेल की जो मॉर्फोलॉजी डायग्राम है वो भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, पीबीएफ के ऊपर, यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।